अनदर व्लॉग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जैसे कि हम बहुत बढ़िया हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि G20 के तहत अभी भारत सरकार ने दिल्ली वासियों को 3 दिन की छुट्टी प्रदान करी है। तो इस 3 दिन की छुट्टी के लिए सभी ने प्लान किया कि क्यों ना यार आउटिंग करी जाए। तो यार जब सबने प्लान किया तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो बस मैंने फटाफट से अपनी सर्च चालू करी यूट्यूब पे और सोचा कि यार 8 से 10 तारीख की छुट्टी है तो यार कहीं ना कहीं तो जाया जाए। बट मेन गाइस मेरा ये था कि मैं किसी ऑफबीट लोकेशन पे जाना चाहती थी जो वहाँ पे मतलब थोड़ा शांति हो, सुकून हो और जहाँ का नज़ारा भी देखने लायक हो। तो मतलब यार दिल्ली के शोर शराबे का तो सबको पता ही है, तो शोर शराबे में मुझे मन नहीं था कहीं भी जाने का कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड हो, लोगों का बहुत हल्ला हो। तो गाइस सर्च करते करते मुझे मिली शिमला में एक इतनी सुंदर जगह जो कि शौगी के नाम से जानी जाती है, यानी कि शौगी शिमला। तो ये एकदम से ऑफबीट लोकेशन है और मुझे इतनी अच्छी लगी। यहाँ का जो गाइस वेदर है इस वक्त वो इतना सुंदर हो रखा है और अभी मैं जस्ट वहीं खड़ी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है और पूरे बादल छाए हुए हैं। ये बिल्कुल मसूरी माल रोड, शिमला माल रोड, सारे वही नज़ारा है। बस यहाँ पे एक खासी सबसे अच्छी है, यहाँ पे सुकून है। मतलब व्यू तो सारा पहाड़ों का देखो एक जैसा हो ही जाता है। अगर आप माल रोड पे भी जाओगे ऊपर तो ये सब कुछ आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे, बहुत सुंदर फॉग होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बट वहाँ पे ना लोगों का क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है इस वक्त। सारे दिल्ली वाले लोग लगता है इन्हीं पहाड़ों पर आके बस गए हैं अभी। बट मुझे चाहिए था सुकून जहाँ पर थोड़ी शांति हो, पीस हो और बहुत अच्छा सा मतलब लगे हमें कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, आगे इन 2 दिन बिताए तो अच्छा। तो मुझे ये जगह बहुत सुंदर लगी दोस्तों, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, फिर सर्च किया मैंने होटल, क्योंकि देखो किसी जगह पे आएंगे तो यार हमें स्टे भी तो करना है, तो जंगल में तो रहेंगे नहीं। तो इस जगह का जो सबसे बेस्ट होटल था वो है यहाँ का शुभम नेचर विला के नाम से। तो जैसे ही मैंने इस होटल को देखा, बस इसको मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको फ़ोटोज़ में देखा हर जगह से, एंड देन जैसे ही मैंने उनसे बात करी, यहाँ के जो ऑनर हैं मिस्टर शुभम, वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं और वो बहुत सच अ नाइस पर्सन। बस मैंने उनको कहा सर आप हमारे 2 रूम्स बुक कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों ने यहाँ का नज़ारा देख लिया है, अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ नीचे जो यहाँ की मेन एंट्रेंस है, और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी मिलवाऊंगी और पूरा होटल जो है ये पूरा एक्सप्लोर करूँगी। यहाँ के रूम्स कैसे हैं, यहाँ की एंट्रेंस कैसी है, उनका रिसेप्शन एरिया, जो भी कुछ है यहाँ की खासियत, वो सब आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलते हैं नीचे शुभम नेचर विला को देखने के लिए। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं खड़ी हूँ अपने होटल की एंट्रेंस के बाहर। आप लोग जब शिमला आते हो तो शिमला से आते वक्त सोलन पड़ता है, तो सोलन से ये कम से कम 16 किलोमीटर है आगे जो ये प्लेस है ऑफबीट शौगी, और शौगी से जो माल रोड है शिमला का वो 12 किलोमीटर आगे है। तो ये इन दो जगहों के बीच में ये वाली जगह है और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो गाइस यहाँ से हम ऊपर थोड़ा सा मतलब आप मान के चलो आधा किलोमीटर के करीब मान लो नीचे आना है आपने, और नीचे आने के बाद जो आता है होटल हमारा जो हमने बुक किया है शुभम नेचर विला, जो कि बहुत ही बेस्ट होटल है इस जगह का। सो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ उसकी यहाँ की जो एंट्रेंस है और उसका जो मेन कैसा दिखता है होटल। सो गाइस ये है होटल, आप देखोगे गाइस ये पूरा होटल है, 3 फ्लोर्स हैं इसमें
तीनों फ्लोर्स में इन्होंने रूम्स बने हुए हैं और ऊपर टेरेस है। ये यहाँ का जो रिसेप्शन एरिया है गाइस अंदर से, और यहाँ दो गाड़ियाँ लग सकती हैं बड़े आराम से। बात तो इनका बैक एरिया है, वहाँ पे भी गाड़ियों की पार्किंग है। ये रहा, यहाँ पे भी बड़े आराम से आप गाड़ी लगा सकते हो। रात को भी कल जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे कम से कम 4 गाड़ियाँ लगी हुई थी, 2 यहाँ लगी हुई थी, तो कुछ किसी को भी दिक्कत नहीं हुई कि गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। और ये पूरा इनका बैकिंग एरिया है सारा, यहाँ पे इनका स्टाफ भी रहता है जिसको इन्होंने रूम्स दे रखे हैं अपने स्टाफ को जो यहाँ के काम करने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं अब रिसेप्शन की तरफ और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है इस होटल का अंदर का नज़ारा। गाइस आप देखोगे जैसे ही हम यहाँ आते हैं, यहाँ उन्होंने कुछ गमले रखे हुए हैं एंट्रेंस में, इस तरीके से उन्होंने ग्रास का मैट लगाया हुआ है और ये वाटर का उन्होंने बनाया हुआ फाउंटेन रखा है, बट वो चलता है, वो कभी कभी चलाते हैं कभी बंद रखते हैं। अभी उन्होंने इसमें कल चल रहा था, अभी बंद कर रखा है, थोड़ी देर बाद ये फिर चालू हो जाएगा। और जो इसकी मेन एंट्रेंस है वो ये है गाइस, तो चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। आइए, सो गाइस ये है यहाँ का प्रॉपर रिसेप्शन एरिया। ये रिसेप्शन है जहाँ पे सर बैठे होते हैं, बट अभी वो है नहीं, किसी काम के चलते वो चले गए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तब मैं आप लोगों से कोशिश करूँगी कि वो मिले। अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। सो गाइस ये पूरा इनका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सोफे लगाए हुए हैं बैठने के लिए, सिटिंग के लिए। एंड ये इनका एक पार्ट ये है इनका, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने सिटिंग बनाया हुआ है, बहुत वुडन का वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर सा अच्छा सा है, बहुत सिंपल सोबर, बहुत मतलब अच्छा सा लगता है, मतलब फील है अच्छी, गुड वाइब्स आती है ना, वो वाली फील है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का वेदर तो वैसे ही इतना अच्छा है कि देखो अभी फैंस बंद है बट हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, और ये अगर हम दिल्ली में होते अभी तो पसीने पसीने हो चुके होते। सो गाइस यहाँ पे इनका जो ब्रेकफास्ट होता है तो यहाँ पे आप लोग आके ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपने रूम में भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकफास्ट के लिए आपको नीचे ही आना है, वो आपको रूम में भी ब्रेकफास्ट करा सकते हैं, लंच भी और डिनर भी, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस ये इनका रिसेप्शन एरिया हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर से उन्होंने छोटे छोटे लैंप्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे ये कुछ प्लांट्स का, ये प्लास्टिक फ्लावर्स का उन्होंने ये सजाया हुआ है। यहाँ पे जाने का रास्ता है, आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से भी एक बालकनी है जहाँ पे आप खड़े होके यहाँ की वादियों का नज़ारा ले सकते हो बड़े आराम से। अब ये देखो कि गाइस ये एक कॉरिडोर आ जाता है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई है और बहुत ही अच्छा मैट लगाए हुए हैं ग्रास के, ये इन्होंने सब जगह कर रखा है, इससे कि देखो बहुत एक अलग सी लुक भी आती है इस जगह की और बहुत क्लीन भी रहता है, बहुत सुंदर सा है। सो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और गाइस नीचे जो इनका है वो इनका किचन एरिया है, तो नीचे जाने की हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, आप देख सकते हो एक फ्लोर में 4 रूम बनाए हुए हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, साथ ही साथ लाइट्स लगी हैं, पेंटिंग लगा रखी है, और ये है यहाँ की बालकनी, जैसे कि नीचे भी आप लोगों ने देखा था। बालकनी से बाहर आप आते हो तो आपको दिखेगा सुंदर सा पहाड़ों का नज़ारा और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ से भी देख सकते हो आप, वहाँ तक दिखा दे एक बार, खड़ा उधर से भी पूरा व्यू आता है पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर व्यू आता है, बहुत ही शांति है इस जगह पर। और गाइस ये है हमारा टेरेस एरिया, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और वहाँ से भी आपको दिखाती हूँ जो हमारे रूम से टेरेस का जो पूरा पड़ता है, अगर हम अपना डोर ओपन रखते हैं तो हमारे बालकनी है, ये जो कि अभी आपको मैंने दिखाया था वो वहाँ जो हमारे थे, वो एंट्रेंस थी हमारी, और एंट्रेंस के आने के बाद ये है, और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का। ये है अब हमारे रूम्स की तरफ, जो कि हमने 2 रूम ले रखे हैं, जो एक बुआ का है और एक हमने अपना लिया हुआ है।
तो ये वाला रूम जो है वो हमारा है और ये वाला रूम जो है वो उन्होंने लिया हुआ है और दोनों रूम से ही बालकनी का एक्सेस हमें मिलता है। और गाइस मतलब ये सच में बहुत ही अच्छा होटल है, यहाँ का सबसे बेस्ट होटल जिसे कहते हैं शुभम लीजिए मिला ही है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे और भी बहुत सर्च किए थे बट मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने इन्हीं से बात करी। तो गाइस बहुत अच्छी लोकेशन है, जो लोग शांति को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो शोर शराबे को नहीं देखना चाहते, छुट्टी वो जो चाहते हैं यार एक बार छुट्टी मिली है तो उसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, नेचर का मज़ा करें, इन्जॉय लें, तो उनके लिए ऑफ बीट प्लेस शौकी शिमला बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह है। और यहाँ का एक शौकी वाटरफॉल करके भी बहुत फेमस है एक जगह, जो कि यहाँ इस होटल से 30 मिनट्स का ट्रैक है। जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है तो हम लोग तो फिलहाल शायद ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बस की नहीं है ट्रैक करना, क्योंकि शक्ति भी बहुत थके हुए हैं, वो कह रहे हैं यार मैं अभी इतना नहीं अभी वॉक कर पाऊंगा, तो बस मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग ट्रैक के शौकीन हैं, जिनको पसंद होता है ट्रैकिंग करना, उनके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, वो यहाँ आ सकते हैं और वाटरफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं। बाकी अभी इसके बाद पहले आप मैं आप लोगों को रूम्स दिखाती हूँ और फिर उसके बाद आपको कहीं और लेके चलती हूँ। चलते हैं मेरे रूम की तरफ और दिखाती हूँ कि कैसा है मेरा अपना रूम। आइए, यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो काफी बड़ा स्पेशियस रूम है, आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेशियस रूम है ये, बहुत ही सुंदर सा इन्होंने एक मिरर दिया है स्टार्टिंग में ही, आप देख सकते हो कितना बड़ा मिरर है जहाँ पे आप बहुत इजीली रेडी हो सकते हो, मेकअप कर सकते हो, तैयार हो सकते हो बाहर जाने के लिए। टेबल दी हुई है जिसमें उन्होंने जग्स रखे हुए हैं, केटल भी है, कुछ हमारा सामान भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने 2 स्लीपर्स दी हुई थी जो वॉशरूम यूज करने के लिए है। और किंग साइज का बेड गाइस देख सकते हो, वाव मतलब ऑसम। इसमें हम 3 जने सोए थे, उसके बाद भी इसमें इतनी स्पेस थी अच्छी खासी, मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को डिस्कम्फर्ट फील हुआ हो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है, कम्फी है और बहुत ही अच्छा खासा किंग साइज का ये बेड है। साथ ही उन्होंने देखिए आप टेबल दी हुई है जिसपे इंटरकॉम रखा हुआ है और आप इस तरफ आओगे तो ये भी एक बहुत बड़ी विंडो है जिसपे उन्होंने कर्टन्स कर रखे हैं। साथ ही यहाँ पे एक LED रखा हुआ है टेबल पे और इसमें सारे चैनल्स चलते हैं, TV के जितने शोज, मूवीज के, सब कुछ, न्यूज चैनल, हर एक चैनल इसमें आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई घर का मेंबर ऐसा आया हो जो ज़्यादा बाहर ना जाके कहे कि नहीं मुझे तो होटल के रूम में ही बैठना है, बस यहीं इंजॉय करना है, तो उसके लिए सारे चैनल्स अवेलेबल है, वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है। दो इन्होंने साइड में स्मॉल से लैंप्स लगाए हुए हैं जो कि इस मतलब पूरे बेड को और इस चीज़ को बहुत अच्छे से लुक देते हैं। साथ ही एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग है जो कि बुद्धा जी को दिखाती है और साइड में यहाँ पे भी एक टेबल है गाइस। और ये भी एक देखो बहुत बड़ी सी विंडो है जो कि हमारी बालकोनी की तरफ पड़ती है और ये इसके मतलब कर्टन्स कर दो तो कवर्ड हो जाएगा और अभी हमने ओपन कर रखा है। और रही बात बालकोनी की तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, जो चलते हैं बालकोनी में दिखाती हूँ जो यहाँ से हमारी बालकोनी है गाइस, ये देखिए उस रूम की बालकोनी भी उधर से है और ये यहाँ से है। अगर आप इस तरफ आ जाते हो तो ये पूरा का पूरा ये बालकोनी एरिया है सारा का सारा, तो अच्छी खासी। और ये देखिए ये वो विंडो है जिसकी मैं बता रही थी जो कि TV पैनल के इधर आती है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी विंडो है, अगर आप कर्टन हटा दोगे ना तो बहुत ही रोशनी आती है और बहुत ही सुंदर सा रूम है यार, मतलब मुझे तो ये रूम बहुत पसंद आया था। आइए दोस्तों आते हैं हम अपने कबर्ड की तरफ, जो कि जब हम अपना आते हैं तो हमारा लगेज भी होता है, जो हमें रखने के लिए सामान जगह चाहिए होती है, तो ये इन्होंने काफ़ी बड़ी सी अलमीरा दी हुई है जिसमें आप बड़े इजीली अपना काफ़ी सारा सामान एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो गाइस आप कितनी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। ये गद्दे इन्होंने इसलिए रखे थे कि अगर एक्स्ट्रा बेडिंग की ज़रूरत हो किसी को तो वो एक्स्ट्रा बेडिंग भी देते हैं, तो उन्होंने कहा था हम आपको कवर्स, पिलो, बेडशीट सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, ब्लैंकेट्स, तो हमें तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 रूम्स लिए थे, जिसमें 3 यहाँ पे थे और काना और बुआ जी उस रूम में थे, तो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। अगर आपके पास सामान है काफ़ी सारा तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो ये बेड्स वो हटा सकते हैं, अगर आप उनको बोलोगे ना कि नहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है
हटा दीजिए तो वो हटा देंगे। तो अब आप देख सकते हो ये स्पेस हो गया, उसके बाद ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया। हैंगर्स भी हैं, हैंगर्स उन्होंने कहा था अगर और चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो अच्छी खासी एक स्पेस है गाइस अलमीरा में सामान रखने के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशियस रूम है। और अभी आप देखोगे फैन बंद है गाइस, ये देखो आप। अगर अभी आप दिल्ली में होते ना तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली का जो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है वो क्या हालात है वहाँ के। आप बिना फैन के तो सोच भी नहीं सकते। फैन तो क्या, एसी हम लोग हर रोज चला के बैठे रहते हैं क्योंकि रहा ही नहीं जाता, इतनी ज्यादा गर्मी है। और यहाँ पे बिना फैन के मैं अभी बैठी हूँ, एसी तो इस रूम में है ही नहीं। वो कह रहे हैं आप एसी की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती, चाहे कोई सा भी सीजन में आप आ जाना, आपको जब देख लेना आपको वेदर ऐसा ही मिलेगा। तो अच्छा खासा रूम है, बहुत ही मजेदार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, देखने में भी बहुत लग्जरी सा है, अच्छा सा है, कंफर्ट है। सबसे बड़ी बात जगह इतनी अच्छी है, नेचर से जुड़े हैं ये लोग, और मतलब यही चीजें अच्छी लगती हैं यार। जब हम इतनी भीड़ भड़क्के से आते हैं तो हमें यही चाहिए होता है कि थोड़ा सा हमें शांति मिले, अच्छी सी लोकेशन मिल जाए। अब चलते हैं दोस्तों वॉशरूम की तरफ की, यहाँ का वॉशरूम कहते हैं, आपको दिखा दूं। तो गाइस ये देखो, ये है पूरा वॉशरूम। वॉशरूम में भी अच्छी खासी स्पेस है, इंग्लिश टॉयलेट है। इन्होंने यहाँ पे दो टॉवल्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, उनका था और चाहिए तो और ले लेना। तो आप देख सकते हो गीजर भी लगा हुआ है और ये शॉवर भी है, ये अपना नहाने का एरिया हो गया, वॉशबेसिन हो गया। और यहाँ पे भी इन्होंने मिरर दिया हुआ है जिसके साथ देखो लाइट्स भी इन्होंने दी है, ये बंद कर सकते हो, इसे ऑन कर लो। और एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर जो कि आप ऑन कर सकते हो व्हाइल यूजिंग द वॉशरूम। तो काफी स्पेशियस है यार, मतलब कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार ये ऑफ बीट लोकेशन है तो यहाँ पे होटल ऐसा होगा, वैसा नहीं। इस लोकेशन का गाइस ये सबसे बेस्ट होटल है, मतलब जब मैंने देखा खुद, क्योंकि मैं वो सारी चीजें सर्च करती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है कि हमारे को होटल अच्छा मिले, रूम अच्छा हो, उसका एम्बियंस अच्छा हो, देखने में लगे कि हाँ हम एक अच्छी जगह गए हैं। और लोकेशन तो अच्छी हो ही हो, सबसे बड़ी बात जो होती है मेन वो होता है स्टाफ। जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो लड़की यहाँ पे जो हमें खाना प्रोवाइड जितनी बार वो आती है, और एक लड़का, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही डिसेंट से हैं बेचारे, सीधे से हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के ऑनर हैं मिस्टर शुभम, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बट वो अभी नहीं थे क्योंकि उनका काम ऐसा है, वो इधर उधर जाते हैं, तो उनसे मुलाकात मैं आप लोगों की नहीं करा पाऊंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन किया था बट वो कह रहे थे कि मैम मैं अभी अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी भी आई है, हमने चाय मंगवाई है आपसे। क्या नाम है आपका? कृष्णा। अरे वाह, कृष्णा नाम है इनका। और बाकी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, सिंपल सी है। और ये हमारे अभी लेकर आई है स्नैक्स, और मैंने चाय मंगाई थी। सो थैंक यू कृष्णा, थोड़ी देर में मिलते हैं तुमसे। सो गाइस अभी तो चाय का टाइम हो चुका है, सो पहले मैं चाय पीऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि ये लोकेशन बहुत अच्छी है और ये होटल बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात स्टाफ भी, आपको चलो एक मेंबर मैंने आपको साथ ही साथ दिखा भी दिया, तो कृष्णा नाम है, मुझे इनका नाम नहीं मालूम था उस वक्त। तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के बंद लोग। आप यहाँ मतलब हमें यही होता है कि यार एक ऑफ बीट लोकेशन में पता नहीं हमें चीज़ें कैसी मिलेंगी कैसी नहीं मिलेंगी। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से मतलब चले गए थे जाकू टेम्पल की तरफ, जो कि आपको पता है शिमला में बहुत फेमस है। बजरंग बली की बहुत बड़ी स्टैचू है वहाँ पे और उनका मंदिर है ऊपर, तो हम लोग वहाँ चले गए थे दर्शन करने के लिए। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, तो इस चीज़ को अभी यही फुल स्टॉप करते हैं। तो मेन अभी जो है वो है कि शुभम सर से मैं आपको अभी नहीं मिला पाऊँगी क्योंकि वो यहाँ नहीं अवेलेबल है। तो बट गाइस अगर आप लोग शिमला आ रहे हैं तो बहुत से लोगों ने माल रोड तो देखा ही है, सोलन भी काफ़ी लोग गए हुए हैं, कुफरी भी गए हैं, बट हो सकता है काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्हें शौगी के बारे में नहीं मालूम होगा, जैसे कि पहले मुझे भी नहीं पता था, माल रोड मैंने भी देखा हुआ है। तो जब मैंने शौगी को वीडियोज़ में देखा और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैंने सर्च करा तो मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी क्योंकि यार यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ का जो वेदर था वो तो बहुत ही औसम था, और बाहर इस वक्त अच्छी खासी ठंड हो रही है, तो मुझे ये लगा कि यार यही बेस्ट प्लेस है जो मैं भी इंजॉय करूँगी और साथ ही साथ जो मेरे जो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब वाले वो भी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। तो चलो क्यों ना यही आप लोगों को दिखाया जाए।
तो बस गाइस मैं इसलिए यहाँ आई आप लोगों को दिखाने के लिए एक नई जगह। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि कुछ आप लोगों को नया दिखाऊं जो बहुत रेयर होगा कि जो लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेस को अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। तो बहुत अच्छी जगह है, जो खासतौर से जो ट्रैक करने के जो शौकीन लोग हैं ना उनके लिए शौकी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि जो वाटरफॉल मैंने आपको बताया शौकी का गाइस, वहाँ मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि एक तो वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर बाय कार, उसके तो ट्रैक करने के लिए आपको वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो चाहिए शूज़। उन्होंने कहा था भैया ने कि अगर मैम आप ट्रैक करने के शौकीन हो और या फिर आप जाना चाहते हो वाटरफॉल के लिए तो शूज़ मस्ट है वहाँ के लिए, क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे आप स्लीपर्स या सैंडल्स में अगर सोचो कि ऐसी वॉक करते करते धीरे धीरे चले जाओगे तो नॉट पॉसिबल। प्रॉपर शूज चाहिए जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है, जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छी जगह है शौगी वाटरफॉल। वो वहाँ जाएँ, उसे इंजॉय करें। और यहाँ से दोस्तों शिमला का जो जाकू टेम्पल है जहाँ हम लोग गए हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें जाने में आधा घंटा लगा, ज़्यादा लगा ही नहीं। मतलब यहाँ से हम सीधे आधे घंटे में माल रोड पहुँच गए आराम से इजीली। थोड़ा सा मतलब गाड़ियों का रश तो दिख रहा था बट आधे घंटा ही लगा है वैसे बताऊँ, क्योंकि जब हम पहुँचे तो मुझे खुद लगा मैंने इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। तो अच्छा खासा मतलब ये नियर है आपके माल रोड से शौगी, दूर भी नहीं है कि कोई सोचे यार काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा मान लो अगर कोई गाड़ी बहुत आराम से चला रहा है। तो हमने रोपवे किया तो हम लोग वहाँ पे भी गए घूम लिया। तो इसी तरीके से अगर आप लोग शौकी आ रहे हो तो आप बड़े आराम से यहाँ आधे 1.25 घंटे बाद माल रोड घूम सकते हो, टेम्पल जा सकते हो, और आगे रास्ते कटते हैं धर्मशाला के लिए और भी काफ़ी सारी जगहों के लिए, नारकंडा के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप लोगों के पास लंबा वक्त हो। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जगह जो शिमला में है प्यारी सी शौगी शिमला, तो ये जगह अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, यहाँ का व्यू अच्छा लगा हो, होटल अच्छा लगा हो, गाइस बहुत ही बजट फ्रेंडली होटल है। सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, लोकेशन डाल दूंगी, होटल का एड्रेस डालूंगी, नंबर डालूंगी जो यहाँ के ऑनर हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं। सीजन बाय सीजन देखिए रेट्स चेंज होते हैं, जब सीजन होता है थोड़ा सा तब रेट अप डाउन चलता है, और जब अगर आप ऑफ सीजन आते हो तो आपको रेट में फर्क मिलेगा। और जो लोग मेरे रेफरेंस से आते हैं डेफिनेटली शुभम सर उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देंगे, मैं उनको बोल दूंगी इस चीज़ के लिए कि अगर कोई मेरे रेफरेंस से आ रहा है या मेरी वीडियो को देख के आ रहा है तो सर आप उनको प्लीज डेफिनेटली एक अच्छा सा डिस्काउंट भी देना। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जगह पसंद आई हो, ये इतना मस्त सा शुभम नेचर विला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप उसे ऑन नहीं करोगे तो आप वीडियो को मिस कर सकते हो। तो डोंट मिस द वीडियो और डोंट मिस मी। तो मैं आप लोगों को अपने आप को ज्यादा याद करने भी नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी वीडियोस मैं आती रहूंगी लेकर, ताकि हमारा अपना प्यार बना रहे और यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहे। तो गाइस अपना परिवार को खूब सारा प्यार दीजिए, वीकेंड आ रहा है दोबारा से 28 सितंबर से, प्लान करिए शुभम नेचर विला को, शौगी आइए, इंजॉय करिए और नेचर का लुफ्त उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।